I want to quit chasing views number, I want to quit chasing subscriber number like a rat race, और मैं quit करना चाहता हूँ stupid लोगों के साथ comment section में भिड़ना या उनको समझाना कोई भी genuine advice देते हुए. I'm sorry for the clickbait guys, but this was necessary. ये मेरी आपसे बात है one on one, जो मेरी loyal audience है बहुत सालों से या बहुत कुछ महीनों से, चाहे मुझे आप पिछले दिन जुड़े हो या पिछले महीने जुड़े हो, पिछले साल जुड़े हो या चार सालों से जुड़े हुए हो, अगर मेरी एडवाइस या मेरी बातें आपको जेन्युइन लगती हैं कभी कि एडवाइस एक्चुअली में हेल्प की है आपकी, तो वीडियो वो एंड तक देखना, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. ये वीडियो एक्चुअली ज्वाइन बटन जो नीचे आ रहा है सब्सक्राइब के साथ ब्लू कलर का, उसके रिगार्डिंग है. और वो ज्वाइन क्यों ज़रूरी है आपको समझाना चाहता हूँ मैं. आईफोन या आईपैड यूज़र्स जो हैं ये ज्वाइन बटन अपना सफारी में डेस्कटॉप साइट इनेबल करके देख सकते हैं यूट्यूब खोल के, या गूगल क्रोम से डेस्कटॉप साइट इनेबल करके देख सकते हैं, उन्हें तब दिखेगा. आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं यार पैसे के लिए नहीं कर रहा, डेफिनेटली पैसा इसके पीछे रीज़न है, लेकिन बहुत छोटा रीज़न है. इसके पीछे बिगर रीजंस जो आपको देने वाला हूँ वो क्या है वो समझ लो. मैं वीडियो को छोटी रखने की कोशिश करूँगा लेकिन बोलने को बहुत कुछ है. 2016 से यूट्यूब चला रहा हूँ, ठीक है, तो 300 वीडियोज़ करीब बन चुकी हैं और पहली बार ऐसा क्लिकबेट किया है, राइट. और बहुत लोग बोलते हैं कि आपका चैनल बहुत जेन्युइन है, बहुत एडवाइस से आप मुझे हेल्प हुआ, ये सब चीज़ें, लेकिन आपकी फिर भी सब्सक्राइबर रेट कम क्यों है. मुझे कम नहीं लगता, मुझे आई एम फाइन विद इट, बट वो कंपेयर करते हैं, ठीक है, वो कंपेयर करते हैं. इसी से ये बातें शुरू होती हैं कंपेरिजन की या दूसरे से आगे निकलने की, विदाउट कंसिडरिंग के जो कंटेंट वो पोस्ट कर रहे हैं कि वाकई में जेन्युइन है, वाकई में हेल्प कर सकता है, या सिर्फ एक नंबर चेस कर रहे हैं लोग. मैं उस रेस में कभी नहीं था, ना मैं अब पढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए आपके लिए वीडियो ज़रूरी है. मेरी आप पुरानी वीडियो उठा के देखो 2016-17 की, उसमें मैं बोलता भी नहीं था कि चैनल को सब्सक्राइब करो. इवन अब भी नहीं बोलता हूँ बहुत सारी वीडियोज़ में, बिकॉज मेरी प्रायोरिटी ही नहीं रहती वो सब्सक्राइब कराना. डेफिनेटली मैं ग्रो करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब करो ये बोल के, तो कुछ रीज़न्स ज्वाइन बटन के क्यों हैं, क्यों लॉन्च किया, क्यों ज्वाइन करना आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपको बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं, वो पॉइंट्स एक्सप्लेन करना चाहता हूं और समझो क्यों ज़रूरी है वो. नंबर वन, इसमें आएंगी मेंबर्स ओनली वीडियोस. तो समझ लो मेंबर्स ओनली वीडियोस क्या है यार. जब भी कोई यूट्यूबर एक लेवल पे पहुंच के वीडियो डालता है, वो सोचता है कि इसके ऊपर मैं इतने घंटे लगा रहा हूं, क्या इस पर व्यूज़ आएंगे. अगर नहीं आते तो बहुत वो बुरा फील करता है. स्पेशली एजुकेशनल चैनल जो होते हैं वो काफ़ी घंटों की रिसर्च या कई दिनों की रिसर्च एक्चुअली या अपना एक्सपीरियंस मिला के वीडियो बनाते हैं जो जेन्युइन है, तो अगर उस पर व्यूज़ नहीं आते तो वो बहुत बुरा फील करता है. डेफिनेटली यार अगर किसी ने 8 घंटे की मेहनत लगाई है, 10 घंटे की, 20 घंटे की मेहनत लगाई है, लेकिन व्यूज़ बहुत कम है, बिकॉज लोगों को वो देखना ही नहीं है, लोगों को एंटरटेनमेंट देखना है, तो वो क्या करेगा. अब ऐसी वीडियोज़ जो होंगी आने वाले टाइम में जो मुझे लगता है आपके लिए बेनिफिशियल हैं, फिटनेस को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, सप्लीमेंटेशन को लेके, या जो मिथ चलती आ रही है, जो गलत चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग है, वो मेंबर्स ओनली सेक्शन में आएंगी. उसमें मैं ये चीज़ की परवाह नहीं करने वाला कि उसमें व्यूज़ कितने आ रहे हैं, बिकॉज़ ये मेरी क्लोज नेट फैमिली जो मेंबर्स होंगे सिर्फ वो देख पाएंगे. जो एक्चुअली में ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ एक थोड़ी सी अमाउंट दे के, जिनको एक्चुअली में जेन्युइन नॉलेज चाहिए. कई बार मेरे दिमाग में टॉपिक आते हैं कई वीडियोज़ के, कोई छोटी वीडियोज़ होती हैं 30 सेकेंड की, 1 मिनट की, 2 मिनट की, कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ उस वीडियो से, लेकिन मैं डालता नहीं हूँ बिकॉज मुझे पता है उस टॉपिक में व्यूज़ नहीं आएंगे, तो फ़ायदा क्या है. उससे क्या होता है कि YouTube का जो चैनल है हमारा वो डाउन चला जाता है, उसकी रैंकिंग डाउन चली जाती है. तो वो वीडियोस मेंबर्स ओनली सेक्शन में आएंगी, सिर्फ ज्वाइन करने वालों को दिखेंगी. इसलिए क्लिकबेट किया था ताकि आप देख लो, समझ लो क्या है ये आने वाली है वीडियोस आगे. और दूसरी चीज़, एक मेरे ऊपर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हार्डकोर एथलीट्स हैं, हार्डकोर फिटनेस में हैं, वो कई कई तरीके करके थोड़े बहुत अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन वो एडवाइजेज जो हैं मैं जनरली पब्लिक में नहीं बोल सकता. उससे क्या होगा कि उनको हार्म पहुंच सकता है. तो स्पेशली जो मेंबर्स होंगे वो इतनी समझ रखते हैं कि हम किस चीज़ में आ रहे हैं, वो देखेंगे तो दैट विल बी फाइन. समझ रहे हो मेरी बात. मैंने फैट बर्नर पे वीडियो बनाई थी पीछे और मैंने बोला था कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी हैं 2-3 जो थोड़े से ट्रिकी हैं यूज़ करने, थोड़े से कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर लें तो नुकसान हो सकता है. तो वैसे इंग्रेडिएंट्स उस ज्वाइन मेंबर सेक्शन में बताया करूँगा. अब इसके बाद आती है बात ओपिनियन वीडियोज़ की. ओपिनियन वीडियोस जब मैं आपको कोई मिथ बस्ट करता हूँ जो बाकी यूट्यूबर ने फैलाई होती है गलत, या सोसाइटी में प्रचलित होती है, उसके बारे में अगर मैं बोलता हूँ तो वो वीडियो एक तरह से दूसरी ऑडियंस भी देखती है, चैनल की सब्सक्राइबर जो नहीं होते, बिकॉज पूरा यूट्यूब देखता है. तो क्या होता है, लड़ाई होती है कमेंट में, मुझे फजूल के नेगेटिव कमेंट आते हैं, उनको समझाना पड़ता है, वो कुछ मेरे बारे बुरा बोलते हैं, लेकिन मुझे पता है कि कौन सही है,
फिर भी ऐसे गधों के मुंह ना लगना पड़े मुझे, इसलिए वो ज्वाइन सेक्शन है। अभी रिसेंटली मैंने नाइटफॉल पे वीडियो बनाई थी, उसमें दो बड़े बड़े नामों को मैंने लिया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी, आई डोंट नो, तो उसमें क्या हुआ, काफ़ी लोग चिढ़ भी गए, लेकिन जो बंदे दिमाग रखते हैं उनको पता था कि मेरी वीडियो जेन्युइन है। इवन डॉक्टर एजुकेशन ने कमेंट किया मेरी वीडियो के नीचे कि जेन्युइन वीडियो है, आई क्रेडिबिलिटी देता हूँ मैं इस वीडियो को, राइट। तो मैं अब थक चुका हूँ, 4 साल हो गए कि मैं इन लोगों से बहस नहीं कर सकता। समाज को सुधारने के चक्कर में मेरी भी मेंटल पीस जाती है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स पे बोलना चाहता हूँ, बट ये सोच के रुक जाता हूँ कि छोड़ो यार, इनको कौन समझाएगा, ये बेवकूफ़ हैं, जो लोग उनको बेवकूफ़ी रहने दो। लेकिन जो मेरी क्लोज नेट फैमिली मैं बनाना चाहता हूँ अब इस ज्वाइन बटन के थ्रू, उसमें ये बात नहीं होगी, उसमें मैं हर एक चीज़ शेयर किया करूँगा। अब मेरे चैनल पर वीडियोज़ बहुत कम आती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूट्यूबर चैनल्स। मेरे 4 साल हो गए, 300 वीडियोज़ आई हैं। अगर आप एवरेज देखोगे तो एक साल में 75, मतलब कितनी हुई, एक महीने में अराउंड 6 वीडियोस, जो कि बहुत कम है। क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं होता कि मुझे मैक्सिमम व्यूज़ आए, या मैक्सिमम मेरी मोनेटाइजेशन हो, या मैक्सिमम सब्सक्राइबर चीज़ हो। मैं तभी वीडियो डालता हूँ जो मुझे लगता है कि आप लोगों की एक्चुअल में है, वो हेल्प कर सकती है। एक टॉपिक को 5 बार रिपीट करके मैं नहीं डालता, अगले महीने फिर डाल दिया, अगले महीने फिर डाल दिया, ये मेरा काम नहीं है। तो वीडियो बनाने को बहुत टाइम लगता है, और ये सिंप आम वीडियो जिसमें थंबनेल बनाना पड़ता है, वीडियो की क्वालिटी टेस्ट करनी पड़ती है, लाइट लगा के यहाँ वहाँ, बहुत घंटे लग जाते हैं। लेकिन मेंबर्स ओनली सेक्शन में मैं कभी भी चाहे मोबाइल से उठ के सेल्फी वाली वीडियो बना के पोस्ट कर सकता हूँ, उसमें मेरा टाइम बहुत बचेगा। तो नंबर ऑफ़ वीडियोस बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगी आने वाले टाइम में। उसमें ना मुझे थंबनेल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना थंबनेल मुझे एडिटर को देने की ज़रूरत पड़ेगी, यार थंबनेल बना, क्योंकि एक वीडियो बनने के पीछे का काम बहुत बड़ा होता है। आपको सिर्फ लगता है कि किसी ने वीडियो बना दी 5-10 मिनट की, लेकिन उसके पीछे काम बहुत बड़ा होता है। तो वो मेंबर्स ओनली सेक्शन में सीधा विदाउट एनी थंबनेल, जिसको नॉलेज लेनी है वो लेगा, जिसने थोड़े बहुत पैसे भी दिए हैं ना, 89 रुपीज़, क्या होते हैं 89 रुपीज़। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट, दिस इज नॉट जस्ट फॉर मनी, बट आई वॉन्ट टू मेक अ क्लोज नेट फैमिली। अब बात करूँ दूसरे किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस ज्वाइन बटन से, वो ये है कि हम इसमें क्या करेंगे, लाइव स्ट्रीम। अब जब मैं रेगुलर यूट्यूब पे आता हूँ, कभी कभी लाइव करता हूँ, तो बहुत सारी ऑडियंस जो होती है, इतने सब्सक्राइबर हैं, एकदम से आ जाते हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं आंसर नहीं हो पाते, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चन लगातार आ रहे होते हैं, तो किस किस को रिप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो मेंबर्स ओनली सेक्शन में सिर्फ जो मेंबर्स होंगे, डेफिनेटली वो सब्सक्राइबर से तो बहुत 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 कम होंगे, ठीक है। ऑल्दो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने, लेकिन हमें पता है कि कम होंगे। तो आपके क्वेश्चंस, जो भी, चाहे छोटा क्वेश्चन है चाहे बड़ा क्वेश्चन है, वो मैं एलेबोरेट एक डिटेल तरीके में आंसर कर सकूँगा। तीसरा, मेंबर्स ओनली का फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी। आप जब भी मेरी वीडियो पे, कोई भी वीडियो पे, 300 प्लस वीडियोज़ होगी हैं, कमेंट करोगे तो आपके नाम के आगे एक बैज लगा होगा जो मैंने खुद कस्टम तैयार किए हैं। तो उससे मुझे दूर से दिख जाएगा कि ये बंदा मेंबर है, इस बंदे के ओर रिप्लाई करना प्रायोरिटी है। इसी के साथ ही YouTube ने मुझे एक अलग से फीचर दिया है, जहाँ पे पूरे YouTube पे मेरे चैनल के जितने भी मेंबर्स के, जहाँ पे भी कमेंट होंगे, कोई भी वीडियो पे कमेंट होंगे, तो वहाँ पे मुझे वो शो कर देगा बहुत ईजिली। तो उसको मैं किसी भी वीडियो पे जाके रिप्लाई कर सकता हूँ, चाहे वो वीडियो कल वाली है, आज वाली है, या 6 महीने पुरानी है, या साल पुरानी है। किसी भी वीडियो देख के आपको कोई भी डाउट आता है, उस पर आपका कमेंट होगा, तो रिप्लाई करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। एट द सेम टाइम आप देखोगे, बाकी भी आप ही की तरह जो मेंबर है, उनके नाम के आगे भी एक बैज लगा होगा, तो यू विल फील अ सेंस ऑफ फैमिली। बड़ा फायदा ज्वाइन बटन का बडिंग ट्रेनर्स को होने वाला है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, मुझे बोलते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि सर हमें गाइड करो, हमें मेंटर करो। तो ये सब चीज़ें जो ट्रेनर को बताना चाहता हूँ मैं, एज ए ट्रेनर आपको क्या करना चाहिए, कैसे जिम फ्लोर पे हैंडल करना है क्लाइंट को, ये सब छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स ज्वाइन सेक्शन में मैं डाल दिया करूँगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, मोबाइल लिया, सेल्फी कैमरे से वीडियो बनाई और पोस्ट कर दी, कोई प्रोडक्शन का चक्कर नहीं, कोई एडिटिंग का दावा चक्कर नहीं पड़ेगा। वो वीडियो, ऐसी वीडियो जो आपको एक्चुअली क्लाइंट हैंडलिंग में, क्लाइंट डीलिंग में हेल्प कर सकती है, चाहे वो ऑनलाइन क्लाइंट हैंडलिंग है या ऑफलाइन ऑन फ्लोर पे है। जिम खुलने वाले हैं, 2-3 महीने में खुल जाएंगे डेफिनेटली, ऐसा तो नहीं है कि बंद रहने वाले हैं पूरी उम्र के लिए, फॉरन में खुल भी गए हैं, ओके। अपनी खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए प्लस क्लाइंट्स की नॉलेज बढ़ाने के लिए ऐसी वीडियोज डालता रहूंगा, और उसमें पर्टिकुलरली मैं रिसर्च रिव्यूज जो होते हैं उसके बारे में बताया करूंगा। वैसे जनरली आम ऑडियंस के लिए वो बोरिंग टॉपिक है, उन्हें समझ भी नहीं आएगा, इसीलिए मैं डाल नहीं सकता। इसीलिए ही बडिंग ट्रेनर, जो आने वाले ट्रेनर हैं, एजुकेटेड ट्रेनर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि मैंने एक पेड सब्सक्रिप्शन जो है इंटरनेशनल
ले रखी हैं, उनमें से जो बातें मैं सीखता हूँ वो आपको सिखाने वाला हूँ। और ऐसी पेड सब्सक्रिप्शन की जनरली जो कॉस्ट होती है, मैं पर्टिकुलरली $29 पे करता हूँ एक महीने के। ये तो एक की बात है, और बाकी दूसरी भी मेरे पास हैं, और जिसके मैं साल के कहीं के $150 पे करता हूँ, किसी का और कुछ पे करता हूँ, ठीक है। वो सब बातें जो मैं यहाँ पे नहीं डालता यूट्यूब पे, बिकॉज जनरली बोरिंग टॉपिक बन जाता है, वो उसमें डाला करूँगा। पांचवी मेन चीज, जितने भी लोगों ने ज्वाइन बटन एक्टिवेट किया होगा उनके लिए मैं स्पेशल डिस्काउंट हर महीने लेके आऊँगा सिक्स पैक मर्चेंडाइज पे। अभी फ़िलहाल हमारे पास 3 टी-शर्ट्स हैं अलग अलग कलर की, लेकिन मेरा प्लान है इसको बहुत एक्सपेंड करने का, मल्टीपल वैरायटी ऑफ टी-शर्ट्स और अदर थिंग्स आल्सो। तो उस सब पे आपको डिस्काउंट मिलेगा ज्वाइन सेक्शन में। मैं कम्युनिटी पोस्ट में लिंक डाल सकता हूँ, सिर्फ मेंबर्स ओनली सेक्शन पे डिस्काउंट कूपन डाला करूँगा, वो यूज़ करके आप और चीप में ले सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा पर्पस इसके पीछे ये था कि डीपर कनेक्शन बने मेरा ऑडियंस के साथ एक और, ताकि मैं लंबे समय तक ये काम जो करता आया हूँ पिछले 4 साल से करता रहूँ। एक आम जिम में यार अगर ट्रेनर होता है, वो अपने दिन में 100, 150, 200, 300 आने वाले लोग होते हैं, उससे मिलता है, उससे कनेक्शन बनाता है। लेकिन हम अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि कौन बंदा हमसे पूछ पूछ के, हमसे सीख के भी बाद में हम ही को गालियाँ निकालने लग जाए, राइट। ऐसे टॉक्सिक सब्सक्राइबर भी होते हैं जो आपसे सीखे होते हैं, बाद में आपको ही बुरा बोलेंगे या आपको ही ट्रोल करेंगे। आप उनके क्वेश्चन का रिप्लाई देते हो, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, 4थी बार नहीं दिया तो आप बुरे हो गए, राइट। सो उन सब से दूर होने के लिए और एक क्लोज नेट फैमिली बनाने के लिए ये मेन पर्पस था। और ये जो मेंबरशिप भी है, अगर आपको लगता है कि मैंने अब तक आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड किया है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, तो आप कर सकते हो ज्वाइन। और एट द सेम टाइम आपको लगता है अगर मैं वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा उसमें, कभी भी कैंसिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कैंसिल नहीं कर सकते, वंस यू ज्वाइन यू कैन कैंसिल इट एनी टाइम, अगर आपको लगा कि मैं वहाँ पे आपका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है ज्वाइन करने के बाद। और इसीलिए प्राइस भी जो है वो सिर्फ 89। आप सोच रहे होंगे इतना कम क्यों रखा है, इसलिए रखा है ताकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्यार करते हैं वो इस चीज़ में आएँ, जो सीखना चाहते हैं वो इस चीज़ में आएँ। किसी को ये ना लगे कि यार मेरे पास पैसे कम हैं तो मैं नहीं ज्वाइन कर सका। 89 रुपीज़ किसी को ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, इसलिए इतना प्राइस रखा है, ठीक है। तो अगर फिर भी आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो 89 रुपीज़ नहीं पे कर सकते, नो प्रॉब्लम, कोई बुरे मानने वाली बात नहीं। वो सिर्फ चैनल की वीडियोस शेयर करके सपोर्ट कर दिया करो जो भी मैं डालता हूँ, ताकि ये चैनल चलता रहे आने वाले सालों तक। थैंक यू वेरी मच।